सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकोपटेक। तो आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन 1 के बारे में। तो ये फोन कब लॉन्च होने वाला है, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देने को मिलेंगे, क्या क्या इसमें न्यू चेंजेस आपको देने को मिलेंगे। अगर हम बात करें बाकी कंपनी से जो कि हमें फोन दे रहे हैं एंड्रॉइड फोन, क्यों इसके लोग इतना एक्साइटेड हैं, क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है, कब हमें ये इंडिया में देने को मिलेगा, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस फोन के टीजर के तौर पे उन्होंने अपने लॉन्चर को लॉन्च कर दिया, यानी कि नथिंग का आपको लॉन्चर देने को मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। उससे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ, तो इस तरह से आपको लॉन्चर देने को मिल जाएगा। नथिंग का जो लॉन्चर उन्होंने लॉन्च किया है, तो आपने शायद कहीं देख लिया होगा कि कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसका जो सिंबॉलिक डिज़ाइन है वो है इसका वेदर आइकॉन, यानी कि आप जो वेदर आइकॉन आप देख सकते हो, जो वेदर आइकॉन बहुत ही अलग है, किसी भी फोन आपको इस तरह देखने को नहीं मिलता, जो डॉटेड पैटर्न में आपको मिलता है। और ये है नथिंग का एक थीम जो कि वो हर जगह यूज़ करते हैं अपने डॉटेड पैटर्न को, जो कि उन्होंने अपने ईयर वन में भी यूज़ किया था। अपने जो कंपनी का नाम है वो भी एक डॉटेड पैटर्न में आपको देने को मिलता है, जो कि बहुत ही यूनिक लगता है। तो इस तरह से आपको नथिंग का लॉन्चर देने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही कुछ अलग नहीं है, लेकिन जो इसके विजेट से बहुत ही अलग आपको देने को मिलते हैं। तो किसी भी फोन में आपको इस तरह के विजेट देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये सिर्फ नथिंग एक्सक्लूसिव है। उसके अगर बात करें मेन्यू की, तो मेन्यू में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस की तरह ही देखने को मिलेगा, जो कि पहले वन प्लस में था, लेकिन वो अभी नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी कलर ओएस पे शिफ्ट कर लिया। तो ये आपको वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस की तरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी सब इसके लिए एक्साइटेड, क्योंकि ये पूरी तरह से स्टॉक एंड देखने को लगता है, इसमें एक हल्का सा स्क्रीन है। तो इस तरह से आपको लॉन्च देने को मिल जाएगा, और सब इसके लिए एक्साइटेड इसीलिए हैं क्योंकि इसके ओनर है कार्ल पेज, जो कि वन प्लस के को फाउंडर रह चुके हैं। तो आपको इसमें कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस का कुछ एक थीम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ऑक्सीजन ओएस को मिलकर बनाया था। तो इसमें इसीलिए आपको कुछ एक देखने को मिल जाएगा कि ये कुछ थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन ओएस की तरह दिखता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि हमें एक स्टॉक एंड्रॉइड का लुक देखने को मिल जाएगा विथ मिनिमल डिज़ाइन, और इसमें कुछ आपको सिंपल चेंजेस देखने को मिलेगा, जिससे कि हमें ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिलता था। और अगर हम बात करें कार्ल पे की, तो उन्होंने एक इवेंट रखा था जो कि था 30 मिनट्स के अराउंड, था 30-40 मिनट्स के अराउंड उन्होंने एक बहुत ही छोटा इवेंट रखा था। उन्होंने अपने इस इवेंट में कहा था कि वो नथिंग का एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि वो नथिंग फोन 1 के जो नथिंग फोन 1 है उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं कि नथिंग का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। यानी कि आपको नथिंग के साथ लैपटॉप वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे, जैसे कि एप्पल के डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि एप्पल के एयरपॉड्स, एप्पल के वॉच, एप्पल के मैकबुक, तो सब आप जिस तरह से इकोसिस्टम में काम करते हैं, उसी तरह से आपको नथिंग का भी आपको देने को मिल जाएगा, जैसे कि वो क्लेम करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आपको नथिंग का इकोसिस्टम धीरे धीरे देखने को मिलेगा, जो कि वो एक के बाद एक डिवाइस अगर लॉन्च करते रहेंगे तो आपको उस तरह से इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ही पसंद है, जो कि एक सही बात भी है कि एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ही तगड़ा होता है। तो उन्होंने कहा है कि एप्पल का इकोसिस्टम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि आप उसमें बाहर के किसी भी डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप सैमसंग डिवाइस यूज़ करते हो, या फिर वन प्लस के, या फिर किसी भी अदर एंड्रॉइड फोन को चलाते हो, तो आप एप्पल के इकोसिस्टम उसे ला नहीं सकते। यानी कि आपको एप्पल के डिवाइसेस को यूज़ करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एप्पल के इकोसिस्टम का। और यही उन्होंने कहा है कि वो ओवरकम करना चाहते हैं अपने इस नथिंग के इकोसिस्टम से, यानी कि वो नथिंग इकोसिस्टम में अपने इस इकोसिस्टम में बाकी सारी कंपनीज को अलाउ करेंगे, जैसे कि सैमसंग हो गई, वन प्लस हो गई। यानी कि अगर आप वन प्लस के फ़ोन चलाते हो तो भी आप नथिंग के इकोसिस्टम में आ सकते हो, और नथिंग के ईयरफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर उस तरह से इकोसिस्टम को इन्जॉय कर सकते हो, जो कि हमें एप्पल में देने को मिलता है, जैसे कि यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड हो गया, या फिर एयरड्रॉप जैसा फीचर हो गया। तो ये सब हमें नथिंग के फ़ोन में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कार्ल पे ने कहा कि वो डेवलप करेंगे इस फोन के लिए। और उन्होंने कहा कि वो एप्पल के इकोसिस्टम से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस है, और ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के ओनर के लिए किसी और कंपनी की तारीफ करना। तो उन्होंने ये कहा है कि जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम सच में बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने इसकी तारीफ भी की है। और उन्होंने ये कहा कि ये उन्हें इंस्पायर करता है एक नथिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमें एक एंड्रॉइड में इकोसिस्टम देने को मिल जाएगा, और सब इसके लिए एक्साइटेड इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने वन प्लस को भी बनाया है, जो कि उनके को फाउंडर हैं करें। लेकिन जो नथिंग का फ़ोन है वो लगता है कि पूरी तरह से फैन ड्रिवन ही होगा, यानी कि वो फैंस के लिए ही सब कुछ बनाएंगे, जो कि टेक में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं उन्हीं के लिए ये फ़ोन बनाया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि इसमें आपको एक सिस्टम देखने को मिलेगा बिल्कुल एप्पल की तरह ही, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप होगा, अभी इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो सकता। इससे पहले कार्ल पे ने अपने एक ईयर वन को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि उन्होंने लॉन्च भी कर दिया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है, जिसमें वो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अलग लगता है, जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं। और आपको जो प्रीमियम सेगमेंट वाले फीचर्स थे वो आपको एक मिड रेंज वाले सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं इस ईयर वन में। तो उसी तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें नथिंग फोन 1 है ये एक फ्लैगशिप किलर के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। और जो उसका उन्होंने एक टीजर डाला था, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, तो बहुत ही यूनिक लगता है। आप इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या है। लोगों ने किसी ने इसे रेंडर करके एक 3D मॉडल बना दिया किसी फोन का, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से उन लोगों ने इसे यूज़ करके एक फोन बना दिया, लेकिन जो टीजर उन्होंने डाला था ये शायद वैसा नहीं भी हो सकता, यानी कि वो फोन के डिज़ाइन को नहीं भी हो सकता, लेकिन उन्होंने टीजर डाला था कुछ इस तरह से जिसे हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे। और जो इसका लॉन्चर है, लॉन्चर में मुझे कुछ खास तो लगा नहीं, बस इसके जो विजेट से वो अलग है। और एक बात उन्होंने अपने लॉन्चर के बारे में बात की थी, और वो थी कि अगर आपने जैसे कि अपने फ़ोन को
लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जब आप इसे लॉक स्क्रीन पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक क्लॉक देने को मिलता है, जो कि आपको हर फोन में मिलता है, हर एंड्रॉइड फोन में मिलता है। तो यहाँ पे जो क्लॉक होता है, अगर आप फोन को अनलॉक भी करते हो तो फोन को अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे जो होम स्क्रीन में क्लॉक देने को मिलता है वो एकदम एग्जैक्ट पोजिशन पर होने वाला है, जैसे उन्होंने कहा है, जिससे कि एक आपको कंटिन्यूटी की फील देगी। यानी कि अगर आप अपने लॉक स्क्रीन से अपने होम स्क्रीन में आ रहे हो तो आपको एक कंटिन्यूटी फील होगी, क्योंकि जो क्लॉक का पोजिशन है वो बिल्कुल सही जगह पर है। तो इस तरह से उन्होंने डिटेल्स की बात की है, तो लगता है कि कुछ यूनिक ही करने वाले हैं वो, बाकी फोन्स की तरह किसी ट्रेंड में नहीं जाने वाले, वो बहुत ही यूनिक करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही फैन ड्रिवन ये कंपनी होने वाली है, कि ये फैंस के लिए ही फ़ोन को बनाएगी और उन्हीं के लिए सुनेगी, क्योंकि वन प्लस पूरी तरह से इसीलिए था, वन प्लस क्या करता था कि फैंस को सुनता था और उनके लिए फीचर्स लाता था जिससे कि वो ज़्यादा वन प्लस चलता था। लेकिन अब उन्होंने क्या कि ओप्पो के मर्जर के बाद ही उन्होंने अपने ऑप्शन उसको हटा दिया, कलर उसको ला दिया, जिससे कि लोगों ने इसे हेट करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पेशली नथिंग के साथ है उसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से फैन ड्रिवन होने वाला है और पूरी तरह से टेकी वाले लोगों के लिए होने वाला है, जो कि बहुत ही टेक में इंटरेस्टेड है, तो उन सब के लिए शायद ये फ़ोन आने वाला है। और मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपने इवेंट में इसे मेंशन किया है ये बहुत यूनिक लगता है, क्योंकि हमें शायद पहली बार हमें कुछ इक्वेशन देने को मिलेगा एंड्रॉइड में, अगर हम बात करें सैमसंग के बाद तो शायद हमें नथिंग में ये इक्वेशन देने को मिल सकता है, इसके लिए सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और अगर हम बात करें इस फोन के लॉन्च की, तो इन फोन के लॉन्च के लिए उन्होंने किसी पिन पॉइंट नहीं किया किसी डेट को, उन्होंने कहा कि बस ऐसे समर में लॉन्च कर देंगे, यानी कि हमें शायद जून या जुलाई के मंथ में हमें ये फ़ोन लॉन्च देने को मिल सकता है। और ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है एक्सक्लूसिवली इंडिया में फ्लिपकार्ट में, और बाकी दो जगहों पर ये लॉन्च होने वाला है, यानी कि फ्लिपकार्ट के अलावा और दो जगह से इन्होंने कोलेब्रेशन के, जिससे कि ये फोन आपको एक्सेस मिलेगा। तो आप जब ये फोन लॉन्च हो जाता है तो आप फ्लिपकार्ट से इसे बाय कर सकते हो, लेकिन इसका कोई लॉन्च डेट उन्होंने मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसे समर्स में उन्होंने लॉन्च करने की बात की है, जो कि जून या जुलाई में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है, तो आप तब इस फोन को खरीद सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।